पहला तो ये आपका क्षेत्र पांचवें अनुसूचित क्षेत्र है और पांचवें अनुसूची संविधान में इसलिए दिया गया था कि हमारे कुछ विशेष अधिकार थे और वो विशेष अधिकार उन्होंने हमें नहीं दिए, ये हमारे ही थे, ये हमें किसी ने दिया नहीं था। ऐसा नहीं था कि संविधान के द्वारा दिया गया, ये हमारा ही था। ये हम तय करते थे कि हमारे यहाँ पे गांव की व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, ये हम तय करते थे कि गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो अनुभवी व्यक्ति रहा हो, जो समझदार व्यक्ति रहा हो, वो व्यक्ति ये तय करे कि पटेल जिसको बोलते हैं, अपने आप ये दीवान बोलते हैं, मुकद्दम बोलते हैं, कोटवार का एक दायित्व तो होता है, आपके यहाँ पे सुरक्षा गार्ड मतलब सुरक्षा के लिए तैनात किए जाने वाले लोग अलग हुआ करते थे। छोटे छोटे जब ये भारत देश आजाद नहीं हुआ था तो हमारे यहाँ पे बाजारें लगा करती थी, जैसे कि आज आपने बाजार लगाया, छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। इसको कोई प्रशासन का बाहर का व्यक्ति आके तो नहीं बताया ना कि नहीं यहाँ पे आपको ये सब्जी बेचने वाले को बैठालना है, यहाँ पे चूड़ी बेचने वाले को बैठालना है, ये अपन ने ही मिलकर तय किया है ना। अब इसी को हम थोड़ा सा बड़ा स्वरूप ये लेते हैं कि सारे आसपास के गांव के लोग मिलकर ये तय कर लें कि यार इस यहाँ पे जो बैठेगा भैया वो बेचने वाला सब्जी यहाँ बेचने वाला बैठेगा, बूचा मतलब मांस मटन वाला यहाँ बैठेगा, चूड़ी वाला यहाँ बैठेगा। तो यदि जब छोटे स्तर पे चुकी यहाँ पे हमने क्यों कर लिया, यहाँ पे हमने ये काम इसलिए कर लिया क्योंकि हम यहाँ पे संयुक्त हैं, आपस में मिले हुए हैं और हमें ये काम करना था, केवल यही चीज है। अब जैसे कि आप हम ये बोलते हैं कि हम पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, है ना। क्यों ऐसा होता है समझिएगा, क्या होता है ऐसे अपने माली जैसे 100 गांव है, 100 गांव है, अपने यहीं पे डिसाइड कर लेते हैं ये 100 गांव है, 100 गांव में हम बीच में एक कुछ रख देते हैं मान लो की बात, और वो है एक ऐसा व्यक्ति जो व्यापार करता है। मैं कट्टरता पे विश्वास नहीं रखता हूँ इसलिए मैं ज्यादा तिलिया बनिया उनको कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। उन लोगों ने थोड़ा छल वाला दिमाग पाया, उन लोगों ने थोड़ा ज्यादा तेज दिमाग पाया नहीं है एक्चुअली, वो छल कर लिए, हम लोग छल नहीं करते। तो उन लोगों ने आपसे जो है बाहर का माल लेके आए सस्ते में, आपको महंगा में बेचा, आप लोगों को ज्यादा दूर न जाना पड़े करके आपने 100 गांव के लोगों ने वहां पैसा खरीदना शुरू किया। अब देखिए 100 गांव के लोग मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, गेहूं धान जो भी हो, चना बटरा जो भी है वो आप उत्पादन कर रहे हो और आप मार्केट में बेच रहे हो, और उस मार्केट में बेचने के बाद जो है उसी के यहाँ से सामान खरीदते हो, ठीक है। वो पैसा कहाँ करते हो, क्या आया बीच में हो क्या आया, और अपन बटरा भी उसी के यहाँ बेच रहे हैं, उस बटरा का वो कम रेट दे रहा है, जो मार्केट का रेट है उससे कम रेट में बेच रहा है आपको, है ना। फुटकर तो ले रहा है लेकिन अपने यहाँ पे जिसको आप क्या बोलते हैं गल्ला, गल्ला है ना, गल्ला गल्ला वो ले रहा है। अब वो कहाँ जा रहा है, वो कहीं नहीं जा रहा है, वो केवल एक जगह बैठा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, पत्थर का काम हम कर रहे हैं, रेत गिट्टी का काम हम कर रहे हैं, खुदाई का काम हम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हमारा ही कोई व्यक्ति वहां पे बैठे, कोई एक व्यक्ति, ठीक है। उसमें एक थोड़ा सा ये लगेगा कि हम थोड़ा सा पूंजी वाला विषय आएगा, है ना, कि भाई मेरे पास थोड़ा सा पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा ऐसा सोचिए इसको। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम से पूरे 100 गांव का बाजार खरीदने लगे, अरे हम प्रयास तो करें, हम कम से कम अपने गांव का गल्ला इकट्ठा करें। आपके गांव में मैं पट्टिया का उदाहरण वो रहता है, तो अब हम फिर से उसी 100 गांव में आते हैं, क्या एक गांव में एक व्यक्ति अपने बीच का कोई एक व्यक्ति, हम किसी एक को चुन लें जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, जो थोड़ा मार्केट में जाता आता रहता है, या जो काम वो कर रहा है, एक व्यक्ति एक गांव में अपना ही सारे गांव का गल्ला खरीदे, ठीक है, उसके पास तुरंत पैसा हो तो दे, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए पैसे को हम होल्ड में तो रख सकते हैं, उधार तो ले सकते हैं, गल्ला पहले वो कलेक्ट कर ले, इकट्ठा कर ले, और उसी गल्ला को, ठीक है, 1 रुपया भलाई से वो कमाने के लिए उसको भी छोड़ो,
जहाँ तिलिया बनिया को हम 10-20 रुपए छोड़ते हैं, हमारे व्यक्ति को 1-2 रुपए तो छोड़ ही सकते हैं। वो बेचारा कहीं अपन उसको लूटने की मत सोचो, अपन उसको ये सोचे कि भाई चलो तुम भी कमाओ, लेकिन हमको उसमें दो फायदा ये होगा कि हमको बाहर अपना सामान लेके जाना नहीं पड़ेगा तिलिया बनिया के पास में, लूटा नटंगरी की भी डर नहीं रहेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि हमारा ही व्यक्ति के पास पैसा आएगा। अब वही एक गांव का व्यक्ति जिसने ये गल्ला खरीदा, ऐसे 5-6 गांव में भी ऐसा हो गया मान लो आस पास। मैं छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि ये शुरुआत है। मैं आज एकदम से बोल दूं कि नहीं, हम गोंडवाना राज्य की परिकल्पना करते हैं और इसको लेकर चलना है और हमको गोंडवाना राज्य बनाना है, तो एकदम से इस लेवल पर नहीं पहुंचा जा सकता, शुरुआत करनी पड़ेगी। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यार गोंडवाना आज चलो मैं बोल रहा हूँ उनने गोंडवाना राज्य बना के दे दिए, लो आपके 24 जिला फाइनल हो गए गोंडवाना राज्य। आप बताइए कंपनियां कहाँ से आएंगी आपकी, आपके पास सोलर सिस्टम नहीं है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगा, हमारे पास हमको अपने देश प्रदेश को चलाने के लिए हमारी जो अर्थव्यवस्था के लिए हमको जो कंपनियां रहेंगी वो कहाँ से आएंगी। तो उसके लिए हमारे ही लोगों को ट्रेंड होना चाहिए उस लेवल पर, तो इसकी शुरुआत हमको छोटे स्तर से करना पड़ेगा जो आप कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे 10-5 गांव के लोग यदि मिल जाएंगे तो वो भी कर सकते हैं अपने अपने गांव में।